अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप बाय करना है और आपका बजट 60,000 तक है और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई ये वीडियो ओनली आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप थ्री ऐसे लैपटॉप्स के बारे में जो कि आपको 60,000 के बजट में मिल जाते हैं। अगर आप इन लैपटॉप से कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन का आपका काम है, फोटोशॉप, ऑटोकैड या आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह रन करना चाहते हो तो भाई ये लैपटॉप आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एंड गाइज, इन लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट रहने वाली है और इस लिस्ट में एक ऐसा लैपटॉप भी है जो कि आपको अराउंड 50,000 के बजट में मिलता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है एकदम एक्सट्रीम लेवल की मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। बजट आपका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, 60,000 आपका बजट रहेगा एंड आपको एक बेस्ट लैपटॉप बाय करना है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर्स के लिए या फिर आप आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो एकदम ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इवन गाइज, आप इन लैपटॉप से गेमिंग कर पाओगे क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप्स है एंड आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। एंड ये लैपटॉप मैंने काफी सोच समझकर लिस्ट किए हैं तो आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। एंड इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है एंड इनकी जो करंट प्राइस है वो भी आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब इस लिस्ट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट का फर्स्ट लैपटॉप है Lenovo IdeaFit Gaming 3। ये लैपटॉप काफी ज्यादा क्वांटिटी में सेल होता है और इसमें आपको लेटेस्ट इंटेल 11 जनरेशन का सीपीयू मिल जाएगा एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट रहेगी। इसमें आपको IPS पैनल की डिस्प्ले भी मिल जाती है। सबसे पहले बात करें इस लैपटॉप के सीपीयू की तो इसमें आपको इंटेल का कोर i5 11300H सीपीयू मिल जाता है। 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड मिलेगी और 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो क्लॉक स्पीड मिल जाती है। 4 कोर R थ्रेड के साथ में आता है और ये काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवा देगा। इस लैपटॉप में आपको 8GB की रैम मिल जाती है और ये DDR4 3200MHz टाइप की रैम रहेगी। 16GB यहाँ पर हम मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। 512GB की M.2 SSD मिल जाती है और इसमें आपको एक SSD स्लॉट भी खाली मिल जाएगा जिसमें आप इन फ्यूचर SSD और हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हो। ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स मिल जाता है। 4GB की GDDR6 टाइप की मेमोरी रहेगी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है। एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में आएगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा। इसी के साथ में 45% NTSC और 215 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3 cell 45 वाट आवर की बैटरी मिल जाती है और लैपटॉप के साथ में 135 वाट का AC अडैप्टर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको रैपिड चार्ज प्रो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का अराउंड 4-5 घंटे का रहेगा ओनली नॉर्मल यूजेज में। अगर यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो इस लैपटॉप का बैकअप 1-2 घंटे का ही रहेगा। वेबकैम की बात करें तो इसमें आपको HD वेबकैम का ऑप्शन मिल जाता है और प्राइवेसी शटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ में आपको ड्यूल अरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 वाट के ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं और इसमें आपको नेहमिक ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऑडियो क्वालिटी इस लैपटॉप की डिसेंट रहेगी। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको इंटेल वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी में ये लैपटॉप काफी डिसेंट रहेगा। इसमें आपको विंडोज 11 फ्री मिल जाएगा, MS ऑफिस यहाँ पर नहीं मिलेगा। बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है और ये सिंगल व्हाइट बैकलिट कीबोर्ड के साथ में आएगा। इस लैपटॉप में आपको कोई भी RGB बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। वेट की बात करें तो 2.2 kg के साथ में आता है। इस लैपटॉप का आप आसानी से कैरी कर सकते हो। एंड पोर्ट्स की बात करें तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सभी पोर्ट्स को मेंशन कर दिया है। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको अराउंड 56,000-58,000 के बजट में मिल जाएगा और अभी जो रिसेंटली अमेजोन पे प्राइम डे सेल थी उस सेल में ये लैपटॉप 53,000 के अराउंड सेल हो रहा था। अगर आप इस लैपटॉप की करंट प्राइस जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक है, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। एंड ये लैपटॉप अपनी प्राइस को भी जस्टिफाई करता है। इस लैपटॉप को आप आफ्टर परचेज अपग्रेड भी कर सकते हो और काफी डिसेंट परफॉर्मेंस ये आपको प्रोवाइड करवा देगा। अब इस लिस्ट का नेक्स्ट लैपटॉप है HP Pavilion 15EC2150AX। ये लैपटॉप भी काफी डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफर करता है। इस लैपटॉप की सीपीयू की बात करें तो इसमें आपको AMD Ryzen 5 5600H सीपीयू मिल जाता है। इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। 3.3 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो क्लॉक स्पीड मिल जाती है। काफी डिसेंट सीपीयू है। यहाँ पर आप हेवी से हेवी टास्क आसानी से कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और गेमिंग वगैरह तो आप आसानी से कर ही पाओगे। रैम की बात करें तो इसमें आपको 8GB DDR4 3200MHz की रैम मिल जाती है जिसको हम 16GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हैं। स्टोरेज में यहाँ पर आपको 512GB की M.2 SSD मिल जाती है और HP ने यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा कि इसमें आपको एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है या नहीं स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको NVIDIA का GTX 1650 ग्राफिक्स मिल जाता है। डिस्प्ले की बात
बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है और माइक्रो एज बेजल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में आएगी 250 हर्ट्ज़ और 4 वाइबर्स एंटी एचसी का सपोर्ट मिल जाता है और इस डिस्प्ले में आपको ओनली 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको 3 CL 52 Wh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, 150 वॉट का एसी अडैप्टर मिल जाता है। बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको अराउंड 3 से 4 घंटे का मिलेगा क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। वेबकैम में यहाँ पर आपको HP TrueVision HD वेबकैम का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको ड्यूल अरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 वाट के ड्यूल स्पीकर मिल जाएंगे और इसमें आपको बैंग एंड ऑलुफ्सन के स्पीकर मिलेंगे। इसी के साथ में HP ऑडियो बूस्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है। विंडोज 11 यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। इसमें आपको फुल साइज अल्ट्रा वॉयलेट बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, काफी डिसेंट रहेगा। वेट की बात करें तो 1.9 kg के साथ में आता है, इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हो। और इस लैपटॉप में भी आपको सभी जरूरी पोर्ट्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, स्क्रीन को आप पॉज करके देख सकते हो। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको 56,000 के बजट में मिल जाएगा। अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की ओर और ये इस लिस्ट का सबसे सस्ता लैपटॉप है। ये लैपटॉप है अपना MSI GF63 थिन वाला मॉडल और ये जिस प्राइस पॉइंट पे आता है आपको बहुत ही तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। सबसे पहले बात करें इस लैपटॉप के CPU की तो इसमें आपको इंटेल का कोर i5 10th जनरेशन का CPU मिल जाता है और ये 10500S CPU है। इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड का ऑप्शन मिलेगा, 2.5 GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिलती है और 4.5 GHz की टर्बो क्लॉक स्पीड मिल जाएगी। 8 GB की DDR4 3200MHz की रैम मिलती है जिसको हम 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इस लैपटॉप में आपको हाइब्रिड स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, 256 GB की M.2 SSD मिल जाती है और 1 TB की हार्ड ड्राइव मिलती है। तो अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो भाई इस लैपटॉप को आप कंसीडर कर सकते हो। ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको NVIDIA का GTX 1650 Max Q वेरिएंट मिलता है और इसकी परफॉर्मेंस काफी बेटर रहने वाली है प्रीवियस दोनों ही लैपटॉप से। और इसमें आपको GDDR6 टाइप की VRAM मिलती है, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करवा देगा। डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD IPS पैनल की डिस्प्ले मिल जाती है और ये भी 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ में आने वाली है। 45% का NTSC सपोर्ट मिल जाता है तो डिस्प्ले इस लैपटॉप की ठीक ठाक रहेगी। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3 CL 51 Wh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है और 120 वॉट का AC अडैप्टर मिल जाता है। वेबकैम में यहाँ पर आपको HD वेबकैम का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन्स के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 2 वाट के ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। कनेक्टिविटी में यहाँ पर आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाता है। विंडोज 10 यहाँ पर मिलेगा जिसको आप विंडोज 11 के साथ अपग्रेड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगल बैकलिट कीबोर्ड के साथ में आएगा, इसमें आपको रेड बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। वेट यहाँ पर 1.8 kg का रहेगा, काफी लाइट वेट है, इसको आप आसानी से कैरी कर सकते हो। और इस लैपटॉप में भी आपको सभी जरूरी पोर्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो ये लैपटॉप आपको ओनली 50,000 के बजट में मिल जाएगा और इस प्राइस में आप और क्या ही लोगे। इसमें आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस मिलेगी, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ग्राफिक्स वाले काम कर सकते हो और गेमिंग तो आप कर ही सकते हो। इवन गाइस आपको स्ट्रीमिंग करनी है वो भी आप यहाँ पर आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ये लैपटॉप बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और लैपटॉप्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। और इस सब्सक्राइब वाले बटन को भी तोड़ के जाना, हमें बहुत खुशी होगी। और मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।